अरे भैया, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाय, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। एवरीबॉडी, सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर ओमकार PI2। सो गाइस, आज हम फिर से हमारे टाउन हॉल 9 पे आ चुके हैं। और गाइस, आज हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वॉर में अटैक करने वाले, वो भी दोनों बेस 3 स्टार। चलो गाइस, वॉर में करते हैं अटैक। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ और प्लीज कर दीजिए। हमारा 100 सब्सक्राइबर का गोल है, कंप्लीट कर दीजिए। चलो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और गाइस, सबसे नई स्ट्रेटजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, सबसे नई स्ट्रेटजी हमारी क्या है? 5 हमारे आर्चर्स, 4 वॉल ब्रेकर्स, 3 हीलर्स, 3 पेक्का, 2 हमारे बेबी ड्रैगन और 4 हॉग राइडर। और स्पेल कॉम्बिनेशन में हम लोग ने लिया है 2 हील स्पेल, 2 रेज स्पेल, 1 पॉइजन स्पेल। और क्वीन हमारी 21 लेवल की, किंग सो रहा है अभी तक। और सीसी में हम लोग ने 2 लेवल का इलेक्ट्रो ड्रैगन ले लिया और 1 2 लेवल का पॉइजन ले लिया। चलो गाइस, करते हैं वॉर में अटैक। और क्लाइन में भी ज्वाइन होना है आपको जल्द से जल्द। इसके सीसी में मुझे पता है इलेक्ट्रो ड्रैगन है, क्योंकि मैंने हमारे एक प्लेयर ने अटैक किया था, तभी मैंने देखा था। चलो गाइस, देखते हैं अब क्या होता है इस अटैक का अंजाम। चलो, इन 3 2 1 गो। चलो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करने का है, एक बेबी ड्रैगन इधर डाल देना है और एक बेबी ड्रैगन इधर डाल देते हैं, जिससे कि फनल सेट हो जाए और आपके सारे के सारे पिक का अंदर घुस पाए। चलो गाइस, बेबी ड्रैगन तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं दोनों, और एक बेबी ड्रैगन अभी मरने वाला है। सो गाइस, बेबी ड्रैगन मर चुका है और उसने आर्चर टावर भी डाउन कर लिया है। सो गाइस, इधर मैं 3 पिक का डिप्लॉय कर देता हूँ, उसके पीछे तीनों के तीनों हीलर्स। और गाइस, इधर 2 वॉल ब्रेकर डाल देने के, जिससे कि वॉल ब्रेक हो जाए और हमारे पिक्का अंदर घुस पाए। सो गाइस, सीसी से इलेक्ट्रो ड्रैगन आ चुके हैं और हमारा भी इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल देते हैं हम लोग। सो गाइस, इधर एक रेड स्पेल भी डिप्लॉय कर देते हैं, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन अपोनेंट के इलेक्ट्रो ड्रैगन को डाउन कर पाए। सो गाइस, अपोनेंट का इलेक्ट्रो ड्रैगन डाउन हो चुका है। सो गाइस, अब सारे के सारे हॉग राइडर हम लोग ने डाल दिए और क्वीन की एबिलिटी भी हम लोग ने अर्ली पॉपअप कर दी है। चलो गाइस, इधर और 2 वॉल ब्रेकर डाल देते हैं, जिससे कि कुछ तो कर पाए हो वॉल ब्रेकर। सो गाइस, इधर एक हिल स्पेल डिप्लॉय कर दिए पर गलत जगह पर, और एक इधर रेड स्पेल भी डिप्लॉय कर देते हैं, जिससे कि हॉग राइडर को बूस्ट मिल पाए। चलो गाइस, एक हिल स्पेल और एक डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और गाइस, हमारे हॉग राइडर बहुत सारे मर चुके हैं। इधर हमारे 2 आर्चर डाल देते हैं। चलो गाइस, देखते हैं ये बेस 3 स्टार निकलता है क्या। सो गाइस, ये बेस आराम से 3 स्टार निकलेगा, क्योंकि हमारे हॉग राइडर भी जिंदा है और इस साइड से हमारी आर्चर क्वीन स्ट्रगल कर रही है। चलो गाइस, फर्स्ट बेस तो हो गया हमारा 3 स्टार। आप इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करो, प्लीज़ कर दीजिए। और गाइस, अभी करने का है हम लोग को सेकेंड अटैक, और वो भी अटैक हम लोग 3 स्टार ही करने वाले हैं। सो गाइस, देख सकते हो इधर कितनी आराम से हम लोग ने ये बेस को 3 स्टार निकाल लिए। सो गाइस, ये बेस अगर मैक्स होता तभी भी हम लोग इस बेस को 3 स्टार निकाल सकते हैं। चलो गाइस, करते हैं हमारा सेकेंड अटैक। उससे पहले मैं सीसी फिल कर जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। सो गाइस, फाइनली हम लोग की आर्मी ट्रेन हो चुकी है, और गाइस क्वीन को भी अभी हमने जिंदा कर दिया है। चलो गाइस, हमारा सेकेंड अटैक परफॉर्म करते हैं, और वो भी हम लोग को 3 स्टार निकालने का है, क्योंकि वो भी फालतू बेस है और सेम टू सेम कॉपी बेस किया है इसने। सो गाइस, इस बेस को फर्स्ट स्काउट करेंगे। देख सकते हो इसका बेस मैक्स भी नहीं है, सिर्फ इसके 2 एयर डिफेंस थोड़े से मैक्स है। एक लेवल और रहता तो मज़ा आता थोड़ा सा।
चलो गाइस इस पर ही करते अटैक। चलो क्या होता है देखते हैं ये अटैक में। सो गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बेबी ड्रैगन इधर डिप्लॉय करने का है, एक बेबी ड्रैगन इधर डिप्लॉय करने का है। आपको थोड़ी देर वेट करने का है जिससे कि बेबी ड्रैगन हमारे फनल क्रिएट कर पाए। जिससे बेबी ड्रैगन हमारे फनल क्रिएट मतलब जैसे हमारे बेबी ड्रैगन क्रिएट करेंगे फनल तो हम लोग को तीनों के तीनों पैक का डिप्लॉय कर देने के। सो गाइस इधर मैंने तीन पैक का डिप्लॉय कर दिए हैं और उनके पीछे तीन हीलर भी डिप्लॉय कर दिए। सो गाइस इधर दो वॉल ब्रेकर डाल दिए और क्वीन और इलेक्ट्रो ड्रैगन को हम लोगों ने डिप्लॉय कर दिया। और सीसी के ऊपर हम लोग ने एक पॉइजन स्पेल और एक हमारे रे स्पेल भी डिप्लॉय कर दिया है। चलो गाइस देखते हैं ये बेस 3 स्टार होता है या फिर नहीं। सो गाइस मैंने हॉग राइडर डाल दिए है सारे के सारे। सो गाइस देख सकते हो हम लोग आराम से टाउन हॉल भी क्रैप कर लिया है हम लोगों ने, क्वीन की भी हेल्थ जा रही है। सो गाइस इस बार हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से हिल स्पेल डिप्लॉय कर दिए हैं जिससे कि हमारे हॉग राइडर रेंज में रह पाए। चलो गाइस इधर एक हिल स्पेल डिप्लॉय कर देते हैं और इधर थोड़ी सी गलत गिर गई थी रेंज स्पेल नहीं हमारे हिल स्पेल। सो गाइस इधर वॉल ब्रेकर डाल देते हैं क्योंकि वॉल ब्रेकर का भी कुछ काम नहीं है। सो गाइस इधर हम लोग को स्वैग मारने के लिए बहुत सारे स्पेल है। चलो गाइस अब करते हैं हमारा स्वैग। सो गाइस एक रेड स्पेल का स्वैग हो चुका है इधर और एक पॉइजन स्पेल का भी स्वैग हो चुका है। देख सकते हो आप कितनी आसानी से हम लोगों ने ये बेस 3 स्टार किया है। और गाइस आप लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो जल्द से जल्द जाकर देखिए, उसमें मैंने क्लैशिंग हिटलर नाम के यूट्यूबर के साथ कोलैब किया था, मतलब उसके साथ वो अटैक किया था। और गाइस हम लोगों ने उसको पता नहीं क्या किया था, आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर प्लीज और प्लीज कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आराम से। सो गाइस इधर फर्स्ट हम लोग डोनेशन देंगे और आप भी आ सकते हो हमारे क्लैन में और इधर से डोनेशन भी लेकर जा सकते हो। सो गाइस मैंने तो डोनेशन दे दिया है, आप जल्द से जल्द क्लैन में आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी टैग मिल जाएगा आप लोगों को। चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ और प्लीज़ मत भूलिए। चलो बाय।